راسخ تماسه مطلع سورة حمد وامتين مطلع سورة اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ومغفور جناب لائق علی صاحب کی روح کو احسان فرما بسم اللہ بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن القائمين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب مولانا و مولى الكونين جد الحسن والحسين حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا ان شاء الله الذي سمي في الافاق باحمد وفي الارضين بابي القاسم محمد ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صلى الله عليه وسلم مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو
मोमिन के दिल में क्यों ना तमन्नाए मौत हो, मोमिन की मौत मौत नहीं है हयात है। एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए, एक आज़ादार हुसैनी और एक आशिक हैदर करार के लिए मजलिस अज़ा मुनक़द हो रही है। आज के इस मजलिस के लिए जिस आए वाफिया का हमने इंतखाब किया है वो सूरह हश्र की आयत नंबर 18 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह से डरो, तक्वा इख्तियार करो, वलतंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन, और इस बात की तैयारी करो कि तुम आखिरत के लिए ज़खीरा इकट्ठा करो। मा क़द्दमत लिग़दिन, यहाँ पर गदिन से मुराद रोज़ क़ियामत है, यानी क़ियामत के लिए तैयारी करो, यहीं से अमाल का ज़खीरा भेजते रहो। फिर दोबारा इरशाद हो रहा है वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो इस आयत में साहिबान ईमान को तक़वा इलाही की दावत दी जा रही है, और इस आयत में आखिरत के लिए अमाल बजा लाने का तकाजा साहिबान ईमान से किया जा रहा है। तो अमाल इंसान के तक़वे के साथ होना चाहिए, इखलास के साथ इंसान के अमाल होना चाहिए। रिवायत में है कि जब पैगंबर इस्लाम मेराज पर गए तो देखा कि कुछ फरिश्ते थोड़ी देर घर तैयार कर रहे हैं और थोड़ी देर ऐसे ही खामोश बैठ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम गए और सवाल किया कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि कुछ देर आप लोग काम करते हो और कुछ देर खामोश बैठ जाते हो, बात क्या है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, जब बंदा इखलास के साथ अमाल बजा ला रहा होता है तो हम उसका महल तैयार कर रहे होते हैं, और जब ज़र्रा बराबर उसके अंदर रियाकारी आ जाती है तो हम अपने हाथ को रोक लेते हैं। तो वो अमाल ना, तो इसीलिए बाद वक्त कहा गया नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमले, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर होती है। अमल में रियाकारी का इम्कान पाया जाता है लेकिन नियत में जर्रा बराबर भी रियाकारी का इम्कान नहीं पाया जाता। अमल का ताल्लुक जाहिर से है, नियत का ताल्लुक दिल से है। तो इंसान अगर अच्छी नियत रखता है, मिसाल के तौर पर मैं आज यहाँ ऐलान करूँ कि माह मुबारक रमजान आने वाला है, अफ्तारी के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, हजरत ने जोश में 10,000 रुपये लिखवा दिए। अब हजरत को देखा कि 10,000, तो वसीम भाई ने कहा मेरे सामने का बच्चा है, मौलाना मेरी तरफ से लिखिए 25,000। अब इतने में क्या हुआ, हमारे बाकिर अंकल बार बार जेब टटोल रहे हैं कि मैं परस घर में भूल आया हूं। तवज्जो मेरे अजीजों, मैं पर्स घर में छोड़ आया हूँ, भूल आया हूँ, अगर मेरे भी पर्स लेकर आता तो मैं भी कुछ ना कुछ दे देता। अब कयामत का दिन आया, फरिश्तों ने आवाज दी कि 10,000 रुपये बाकिर अंकल की जानिब से मुअय्यन कर दिए गए हैं,
तब वसीम भाई को एतराज, वाले हजरत को एतराज, हम लोग खुद वहां मौजूद थे, हम लोग वहां मौजूद थे, हमने देखा, उनके पास पैसा ही नहीं था, वो पर्स ही लेकर नहीं आए थे जिसमें वो पैसा रखे हुए थे। मैंने तो 25,000 दिया है। फरिश्ते आवाज देंगे, आपने 25,000 खुदा के लिए नहीं दिया था, हजरत के कॉम्पिटिशन में दिया था, है ना। तो नतीजा क्या हुआ कि अब इनके अमाल में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक साहब जो सिर्फ ये नियत किए हुए कि काश मैं भी लेकर आता तो मेरी तरफ से यह हदिया हो जाता, तो फरिश्तों ने उस अमल को दर्ज भी कर दिया, कयामत के दिन ऐलान भी कर दिया। तो नतीजा यही होता है। तो तक्वे के साथ इंसान का अमल हो तो फिर वो महफूज होता है उसी के जरिए से। बहरहाल तो तक्वा इंसान के अकाइद को ठीक करने का जरिया बनता है। हमारे अमाल की कबूलियत की एक शर्त इंसान का अकीदा भी सही होना चाहिए। जो फासिदुल अकीदा हो, जिसका अकीदा फासिद हो, जिसके अकीदे में खराबी हो, तो फिर उसका भी अमल काबिल कबूल नहीं है। तो बार बार कुरान मजीद में 300 आयतों में लगभग तक्वे इलाही की दावत दी गई है कि तुम अल्लाह से डरो, और जहां पर अक्सर ईमान की बात आई है वहां पर अमले सालेह की भी बात आई है। तुम्हारे पास ईमान का होना अच्छी चीज है, लेकिन ईमान के साथ साथ अमले सालेह भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो अकीदे का तहफ्फुज हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और बाज़ वक्त इंसान अगर ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं ये जो अकीदा रख रहा हूँ उसूल दीन के बारे में, तौहीद के बारे में, नबुवत के बारे में, इमामत के बारे में, कयामत के बारे में और अदल के बारे में, ये सही है या नहीं, तो इंसान का फर्ज है कि वो किसी अहल के पास, कुरान मजीद की हुक्म जो हमें दे रहा है, फसअलु अहलज़ ज़िक्र, है ना, जो तुमसे बेहतर हो, जो जानता हो, जो जानकारी रखता हो, उससे सवाल करो। तो ये हमारा फर्ज है ना। ये अलबत्ता हमारी कमजोरी है कि हम नमाजें गलत पढ़ते रहे, हमें गवारा है, लेकिन किसी आलिम दीन के पास जाकर हम अपने नमाज की तस्दीक कर लें, ये हमें गवारा नहीं है, है ना। हम लोग मसहे के बजाय सलवात से काम लेना चाहते हैं, हमें आदत हो गई है, लाइट ना हो तो क्या हुआ, यूपीएस से काम चल जाएगा, है ना। तो मसहे की दुआ हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं है, हम सलवात से काम चला लेंगे, लेकिन सही मसहा नहीं सीखेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब देखिए इसकी अहमियत क्या है। रिवायत है, रावी कहता है कि एक मर्तबा मैं पांचवें इमाम, इमाम मुहम्मद बादला के साथ, बैठा हुआ था। इतने में एक बूढ़ा आया और आने के बाद कहा है, फर्जंद रसूल, ये मेरा अकीदा है, मैं अपना अकीदा आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आप मेरी इस्लाह कीजिए। बड़ी जुरअत और हिम्मत चाहिए, शुजाअत और मर्दानगी चाहिए। तो इमाम के पास आया और कहता है कि फर्जंद रसूल, मैं अपना अकीदा पेश करना चाहूंगा। कहा इमाम ने कि तुम अपना अकीदा बयान करो। कहा मैं तीन अकीदे रखता हूं। सबसे पहला, मौला मैं आपके दोस्तों से दोस्ती करता हूं, आपकी मोहब्बत दिल में रखता हूं, और आपके दुश्मनों से दुश्मनी रखता हूं। आप ज़ियारत आशुरा में पढ़ते हैं, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम वा हर्बुन लिमन हारबकुम। ए मौला, जिससे आप सुलह करेंगे मैं भी उनसे सुलह करूंगा, जिनसे आप जंग करेंगे मैं भी उनसे जंग करूंगा। हर्ब के मानी जंग के हैं, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम वा हर्बुन लिमन हारबकुम। तो यही वो कहता है कि मैं आपकी मोहब्बत दिल में रखता हूं, आपके दोस्तों की मोहब्बत दिल में रखता हूं, आपके दुश्मनों की नफरत भी मैं दिल में रखता हूं। ये मेरा पहला अकीदा। दूसरा मेरा अकीदा, ए फर्जंद रसूल,
आपने जिस चीज को हलाल करार दिया है मैं भी उसे हलाल करार देता हूं, जिस चीज को आपने हराम करार दिया है मैं भी उसे हराम करार देता हूं, इसलिए कि ये आपके जद हुसैन का ये ऐलान है, हलाल मुहम्मद हलाल इला यौम अल-क़ियामा व हराम मुहम्मद हराम इला यौम अल-क़ियामा। जो मेरे जद रसूल ने जिस चीज को हलाल करार दिया है वो क़ियामत तक के लिए हलाल है, और जिस चीज को मेरे जद ने हराम करार दिया है वो क़ियामत तक के लिए हराम है। वहां हमारी अपनी मनमानी नहीं चलती। हम लोग क्या है, निकाह तक रसूल की सुन्नत में रहते हैं कि ये रसूल की सुन्नत है निकाह पढ़ेंगे, निकाह के बाद वाले हालात आपके पेश नजर हैं वो फिर हम अपनी मर्जी से करेंगे, है ना, वहां हलाल हो या हराम उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अपनी मर्जी से, है ना, पार्शल दीन हमारे अंदर पाया जाता है, टोटल दीन हमारे अंदर नहीं पाया जाता, ये हमारी परेशानी है। तो दूसरा मेरा अकीदा अल्लाह पर क्या है, मैं आपके हलाल करना अहकाम को क़यामत तक के लिए हलाल जानता हूं और हराम जिस चीज को करार दिया है उसे हराम। मेरा तीसरा अकीदा क्या है, अल्लाह अकबर रसूल की हदीस के पेश नजर ये कहता है कि मैं आपके आखिरी फर्जंद के इंतजार में हूं, इसलिए कि रसूल ने फरमाया अफजल अमाल उम्मती इंतबारुल फरज, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन अमल मेरे फर्जंद आखिर के ज़ुहूर का इंतजार। अभी विलादत नहीं हुई है, पांचवें इमाम का जमाना है, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं। तो पांचवें इमाम अपनी जगह से खड़े हो गए और उसे गले से लगा लिया और कहा कि ये वही अकीदा है जो हमने तालीम दी है और हमने सिखाया है, हर मुसलमान का यही अकीदा होना चाहिए। उसके बाद पांचवें इमाम कहते हैं कि ए आने वाले मर्द अरबी ये जान ले कि यही सवाल एक शख्स लेकर मेरे बाबा की खिदमत में आया था, चौथे इमाम की खिदमत में आया था, तो मेरे चौथे इमाम ने इन अकीदों को सुनकर जवाब में फरमाया कि देखो कि तुमने जो अकीदा बयान किया है वो इतना मजबूत अकीदा है कि सिर्फ तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि जन्नत में मेरे जद रसूल का कुर्ब जवान तुम्हें मिलेगा, है ना, मेरे रसूल का कुर्ब जवान तुम्हें मयसर होगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद पांचवें इमाम का जुमला ये है, अब अपने शागिर्दों की तरफ अपने सहाबियों की तरफ रुख करके कहते हैं मन अहब्बा अन यंजुरा इला रजुलिन मिनल जन्ना फलयंजुर इला हादा रजुल। ए लोगों, ए मेरे सहाबियों और मेरे शागिर्दों, देखो आज तुम में से कोई ये चाहता है कि किसी जन्नती को देखो तो इस आदमी को देखो। अमल की कबूलियत की शर्त है, मैं तौहीद ही को नहीं मानता, अमल के ऊपर अमल किए जा रहा हूं तो उस अमल का फायदा क्या है। मैं तौहीद को मानता हूं, नबुवत को मानता हूं, इमामत को नहीं मानता। आज आप देखिए, आप छोटी छोटी क्लिप भी जो है ये भेजकर भेजा जाता है, ये कहा जाता है कि देखिए मौलाना ये अहले सुन्नत होकर भी किस तरीके से अली के फजाइल बयान कर रहा है। आज लाखों रुपये देकर ऐसे लोगों के जबान से अली के फजाइल को सुना जाता है, है ना, और फख्र किया जाता है कि एक सुन्नी आलिम दीन मशहूर उलमा है आपकी निगाहों में है कि हमने उनसे लिया। भाई आप उससे अली को ले रहे हैं जो चौथा मानता है, है ना, तो उससे अली के फजाइल को लीजिए जो बिना फसल मानता है। वो यहाँ आता है तो अली के फजाइल बयान करता है, अपनी बज्म में जाता है तो माविया को भी सही मानता है, है ना, तो ऐसे से अली के फजाइल मत लीजिए, जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ये माहौल बन गया है, अपने खदीब को पैसा नहीं देंगे, अपने जाकिर को पैसा नहीं देंगे। अब वो चूंकि गैर शिया है उसे फ्लाइट की भी टिकट दी जाएगी, लाखों रुपए भी दिए जाएंगे, क्यों, इसलिए कि उसकी जबान से अली अच्छा लगता है। हमें अली को उसकी जबान से सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई भी अली को समझा ही नहीं सकता। ये पैगंबर इस्लाम ने कह दिया कि अली को या मैं पहचानता हूं या मेरा खुदा पहचानता है। सलावत पढ़ मोहम्मद व आल मोहम्मद।
और खलीफा अली है और हम ऐसे से अली को पहचानना चाहते हैं जो अली को चौथा मानते हैं। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। और हमने बहरहाल, अब मैं वो अल्फाज गुस्ताखी समझता हूँ, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि हमने मजलिस और महफिल को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो नतीजा ये हुआ, हालांकि ये नहीं है ना। जिस मकसद के तहत जनाबे सैयद सज्जाद और जनाबे ज़ैनब औलिया मकाम ने मजलिस को बर्पा किया है, उन मकासिद के तहत मजलिस बर्पा हो तो कौम में जहालत नहीं रहेगी। कौम की जहालत इस बात की दलील है कि हमने मकसद ज़ैनब को खुला दिया है, मकसद ज़ैनुल आबिदीन को खुला दिया है। तो क्या अकीदे का सही होना भी शर्त है? और अगर किसी का अकीदा सही हो, उसका अमल भी सही हो, उसके अमल में इखलास भी पाया जाता हो, तो फिर क्या कहने, नूर अला नूर है। शबे जुमा है, हम में से हर कोई ये चाहता है, भले हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, वो शिद्दत हमारे अंदर नहीं है इमाम से मुलाकात की, लेकिन हम कम से कम ये ख्वाहिश तो रखते हैं। और अगर नहीं रखता कोई ख्वाहिश तो है उसे फौरन अभी उसकी अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए। तो हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमें वक्त के इमाम का दीदार हो जाए ना, ये कम से कम हमारी ख्वाहिश है। लेकिन इस ख्वाहिश के लिए क्या है, इस ख्वाहिश के लिए बहुत जहमतें उठानी पड़ती हैं, आसान नहीं है ना। मैंने वो पांचवें इमाम की दास्तान इसलिए बयान किया, उसका हलाल और हराम का तज़किरा, कि मुझे इस दास्तान को बयान करना था। अल्लाह अकबर। देखिए, अगर हम वाकई चाहते हैं कि इमाम से मुलाकात करें तो हमें कैसा होना चाहिए? अल्लाह अकबर। शबे जुमा है, अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा, इंसान वक्त आखिर भी अपनी इस्लाह कर सकता है, इस लायक बन जा सकता है कि उसे इमाम का दीदार हो सकता है। मैं एक दो दास्तान वक्त रहा तो बयान करूंगा आपकी खिदमत में। तो पहली दास्तान यह है कि एक तालिबे इल्म वो ये ठान लेता है कि मुझे हमारे वक्त के इमाम का दीदार करना है, उनकी ज़ियारत करना। तो 40 शबे चहारशंबा मस्जिद साहला में, जो मस्जिद ही मशहूर है हमारे 12वें इमाम से, मस्जिद साहला, वो रिवायत में है कि हर शबे चहारशंबा जिस दिन हम दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं, हमारा वक्त का इमाम उस मस्जिद में हाजिरी देता है। तो ये जाते हैं और कितनी तड़प इनके अंदर है, शबे चहारशंबा मगरिब और ईशा की नमाज वहां खत्म करते हैं तो सुबह की नमाज तक वक्त के इमाम को याद करते हैं, मुस्तहबात जो अज़कार औरात वारिद हुए हैं उन सबको आम बजा लाते हैं। पहला हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता गुजरा, तीसरा हफ्ता गुजरा, यहां तक के 39 हफ्ते गुजर गए। अब आखिरी हफ्ता तो और बेचैनी कि इतने हफ्ते तो मैंने तो सुना था कि 40 हफ्ते में मुलाकात हो जाएगी, इतने हफ्ते मैंने रियाजत की, अल्लाह अकबर, मैंने आमाल बजा लाए, मुस्तहबात को बजा लाया, मैंने अज़कार बजा लाए, तस्बीह और तहलील को अंजाम दिया, नमाज इमाम ज़माना, नमाज जाफर तैयार, सब कुछ मैंने अदा किया, मुझे इतने हफ्ते गुजर गए इमाम से मुलाकात नहीं हुई, रोते हुए तड़पते हुए आखिरी शबे चहारशंबा मस्जिद साहला में गए और पूरी रात गुजार दिया। सुबह अजान से पहले थोड़ी देर के लिए, अभी वो पूरी नींद नहीं, इसे आलम मुकाशफा कहते हैं, ख्वाबो बेदारी का आलम, न पूरे तरीके से सोया हुआ है और न पूरे तरीके से जागा हुआ है, नींद और बेदारी के हालत में है, आलम मुकाशफे में है। एक आवाज आती है कि तुम चाहते हो कि वक्त के इमाम का दीदार करो, फुला बाजार में चले जाओ, एक कुफल साज जो कुफल रिपेयर करता है उसकी दुकान में चले जाओ। अब ये पूरे आवाज तो पूरे 40 हफ्ते तो हो गए थे, उसके नतीजे में ये आवाज इन्हें सुनाई थी और सुबह की अजान से
पहले का ये लगभग सांप था, तो उसे इन्होंने सच्चा माना और उसकी ताबीर हासिल करने के लिए सुबह नमाज के बाद बाजार चले जाते हैं और बाजार के इत्तला से लेके इंतहा तक जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत बड़े बड़े मार्केट, लेकिन कहीं पर भी वो नहीं रुकते। इसलिए कि कहा कि वो एक इंसान जो बूढ़ा है, एक ज़ईफ़ है, उसके पास जाना पूरा बाजार खत्म हो जाता है। अब वापस आना चाहते हैं तो फिर देखा कि नई बाजार के शायद हो सकता है आखिरी हिस्से में उसकी दुकान पाई जाती हो। अब वो क्या देखता है कि थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा बैठा हुआ है, कुफ्र रिपेयरिंग करता है ना, रिपेयर करता है। तो अब क्या है, ये तालिबे इल्म आलिमे दीन वहां जाते हैं और जाने के बाद देखा कि इमाम बैठे हुए हैं, नूरानी चेहरा मुजद्दद, ऐसा नूर के जमीन से आसमान तक रोशन मुनव्वर है, अल्लाहु अकबर। अब ये जाते हैं, इमाम से मुलाकात करना चाहते हैं, सलाम करते हैं। इमाम सलाम का जवाब देने के बाद कहते हैं इशारे के जरिए से कि थोड़ी देर खामोश हो जा और इसके अमल को देख। अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि इस बूढ़े के अंदर कौन सी खूबी पाई जाती है कि हमारा वक्त का इमाम वहां बैठा हुआ है। इतने में एक कमर खमीदा खातून एक ज़ईफ़ा असा लेकर आती है और उस दुकान के पास आने के बाद कहती है कि ए बूढ़े मियां, मुझे 3 रियाल की जरूरत है, ये मैं कुफ्र बेच रही हूँ, अब ये हो सके तो मेरी जरूरत पूरा कर दो, इस कुफ्र की कीमत मुझे दे दो, 3 रियाल की मुझे जरूरत है। अल्लाह अकबर, ये कहां से निकली है, पहले दुकान से बाजार की निकली है। अब ये जिस दुकान में भी जाकर कहती है कि ये 3 रियाल का कुफ्र, मुझे 3 रियाल की जरूरत है, मुझे दे दो, तो अब लोग मजबूरी का फायदा उठाकर कहते हैं ये तो 1 रियाल के ऊपर नहीं है, ये तो 1.5 रियाल से ज्यादा इसकी कीमत नहीं है, 3 रियाल चाहिए तो हम नहीं देंगे। अब ये बूढ़े की दुकान में सबसे आखिरी दुकान है और आती है और कहती है कि ए बूढ़े मियां, ये मेरा कुफ्र है, मुझे 3 रियाल की अशद जरूरत है, हो सके तो ये कुफ्र ले लो। अल्लाह अकबर, वो कुफ्र को देता है और पूरा चेक करने के बाद कहता है कि देखो ये कुफ्र तो सही सालिम है, इस कुफ्र की कीमत 8 रियाल है, मैं 7 रियाल तुम्हें दूंगा, इसलिए कि 1 रियाल मैं भी नफा हासिल करूंगा। अब ये बूढ़िया परेशान है, तू मजाक तो नहीं कर रहा है, किसी ने 3 रियाल में भी नहीं खरीदा और तुम 7 रियाल की बात कर रहे हो। कहा नहीं, वाकई इसकी कीमत इतनी ही है, मैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता, ये मैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए कि धोखा देना हराम है। अल्लाह अकबर, उसके बाद 7 रियाल उसके हवाले करता है और हवाले करने के बाद वो बूढ़िया ज़ईफ़ा खुश होकर चली जाती है। तो इमाम इस तालिबे इल्म की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मुझसे मुलाकात करो तो अपने ईमान को इस बूढ़े जैसा ईमान बनाओ, अपने किरदार को, अपने आमाल को इस बूढ़े जैसे। उसके बाद वाला जुमला यह है, ये रोने वाला आंसुहाने वाला जुमला यह है, इमाम ये कहते हैं कि ए तालिबे इल्म, तुम मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो चिल्ला करने की जरूरत नहीं है, 40 शबे 4 जुम्मा मेरा इंतजार करके जिक्र बजा लाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखो, अगर तुमने इसके ईमान को, इसके ईमान को अपना लिया, अपने ईमान को इसके जैसा ईमान करार दे दिया तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और कयामत का जुमला यह है और कहते हैं कि ए तालिबे इल्म, इस ज़ईफ से मुझे इतनी मोहब्बत है कि अगर मैं किसी हफ्ता इसे नहीं देखता हूं तो इसके दीदार के लिए मैं गिरिया करता हूं, मैं आंसू बहाता हूं। अल्लाह अकबर, है ना, तो अपने ईमान को कभी करने की जरूरत है, हलाल और हराम की रियायत करने की जरूरत है, अपने अकीदे को फासिद कर लेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक दीन चलाएंगे, लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं एक और दास्तान सुना दूं। आपकी सुनी हुई दास्तान हो सकती है अली इब्ने महज़ियान, 11वें इमाम के सहाबी के फर्जंद,
जब 11वें इमाम की शहादत हुई और 12वें इमाम गैबत में चले गए, तो एक हसरत कि इमाम से मुलाकात करना है। हम देखिए, हम अपने ज़मीरों को टटोले, हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है। मैं हूं एक ही कमरे में, दूसरे कमरे वाले को मेरी वजह से कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है। मैं लाइट जला के पढ़ रहा हूं, दूसरे के आराम में खलल वाक़े हो रहा है। मैं बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा हूं, दूसरे को तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, ये देखिए ये दास्तान अली इब्ने महज़ियार। अल्लाह अकबर, अली इब्ने महज़ियार वक्त के इमाम के इंतजार में और उनकी दीदार के शौक में बहुत कोशिश करते हैं इमाम से मुलाकात की। पूरा साल गुजर जाता है, हज के अय्याम करीब होते हैं, तो ये अहवाज ईरान का एक शहर है, जैसे तहरान, इस्फहान और कुम है, वैसे ही अहवाज भी एक शहर है, गर्म इलाका ईरान का। तो ये निकलते हैं कि हाँ हो ना हो, हमारा वक्त का इमाम जरूर हज के मौके पर मस्जिदुल हराम आएगा। क्यों? इसलिए कि इमाम के वजूद के बगैर हज नामुकम्मल है। बिल इमामत तमाम सलात वल हज वल ज़कात व तौफीरिल फ़ैहा व सदक़ात व सौम। आगे इमाम की हदीस है, इमाम फरमाते हैं कि इमामत ही के जरिए से नमाज नमाज मुकम्मल होती है, रोजा रोजा मुकम्मल होता है, हज हज मुकम्मल होता है। तो ये हदीस इनके जहन में आई और कहा कि हो ना हो मेरा वक्त का इमाम, हो सकता है कि मुझे मस्जिदुल हराम में मुलाकात हो जाए, हो सकता है कि मैदान अराफात में मुलाकात हो जाए, हो सकता है सफा और मरवा के दरमियान मेरी मुलाकात हो जाए, हो सकता है रमी जमरात के दौरान मेरी से मुलाकात हो जाए। निकलते हैं और पहला साल पूरी एहतियात के साथ तवाफ को भी बजा लाते हैं, कुर्बानी के अहकाम को भी पूरा और सही भी करते हैं, सफा और मरवा के दरमियान अरफात में आमाल जो मखसूस हैं वो सब बजा लाते हैं और इंतजार में है। लेकिन पूरे हज के अय्याम गुजर गए, इमाम से मुलाकात नहीं हुई। तो ये नहीं कहा कि अब मैं क्या करूं, बल्कि ये सोचा कि हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरे अंदर कोई गुनाह हो जिसकी वजह से इमाम नाराज हो। अल्लाह अकबर, ये कहकर दूसरे साल की तैयारी किया कि मैं अगले साल आ जाऊंगा। अब पूरे जा रहे हैं तो खुम्स व ज़कात की पाबंदी है, अव्वले वक्त में नमाज भी अदा कर रहे हैं और गरीबों का ख्याल भी कर रहे हैं, पड़ोसियों की देखभाल भी कर रहे हैं, सारी खूबियों को ये अंजाम दे रहे हैं अली इब्ने महज़ियार। अब दूसरा साल थोड़ा सा यकीन हुआ कि मुझसे इस साल कोई गलती नहीं हुई है, फिर गए और फिर मैदान अरफा में इमाम का इंतजार किया, मीना में इंतजार किया, सफा और मरवा के दरमियान इंतजार किया, मस्जिदुल हराम में बैठ के गिरिया करते रहे, आका को पुकारते रहे, नई मुलाकात हुई, दीदार नहीं हुआ। तो फिर वापस आए कि हो सकता है इस साल भी मुझसे कोई गलती हो गई हो। फिर तीसरे साल की क्या हमारे अंदर भी ये शौक है कि एक साल नहीं तो दूसरे साल, दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल, क्या हमारे अंदर ये तड़प पाई जाती है? नहीं, पहले साल ही में हम सोचते भी नहीं हैं कि यहाँ इमाम आते हैं, हमें तो लेबल लगाने के लिए हज पे जाना है। हज जो हम करते हैं, अल्लाह अकबर, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो हज पे आने के बाद उनके घर का पोस्टर निकला है और अलहाज नहीं लिखा गया है, तो जंग हुई है, कयामत और हंगामा बरपा हुआ है, है ना? क्यों? इसलिए कि मैंने हज किया है, पोस्टर में मेरे नाम के आगे अलहाज नहीं लिखा, हाजी वजार लिखना चाहिए। लेबल लगाने के लिए हज पे जाए तो कहां इमाम से मुलाकात होगी? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, तीन साल भी गुजर गए, यहां तक के 19 मरतबा हज किया है, एक दो साल नहीं, 19 साल हज किया इमाम से मुलाकात के शौक में। मेरा सलाम हो अली इब्ने महज़ियार अहबाजी पर, इतना शौक, मैं कहूंगा मैं तो इमाम से मुलाकात की दीदार की जुरत नहीं कर सकता। मैं कहूंगा अली इब्ने महज़ियार, थोड़ा सा शौक जो आपके अंदर था वो भीख में मुझे दे दीजिए ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा शौक पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब 19वें साल गए इमाम से मुलाकात के लिए, दीदार के लिए, और हज का मौसम आया तो सारे अरकान बजा लाने के
ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کر خانہ کعبہ مسجد الحرام میں آ گئے اور رو رو کے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے مولا اب تک میرے بدن میں میرے جسم میں طاقت تھی تو میں نے 19 سال آپ کا انتظار کیا ہے، مولا اب میری طاقت جواب دے رہی ہے، مجھے نہیں معلوم میں اگلے سال حج کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، میں آؤں آ بھی سکوں یا نہیں آؤں گا، لیکن اے مولا میری خواہش یہ ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں نہ آئے ہو، بلکہ یہ ہماری کوتاہی ہے، مولا مجھے صرف اتنا پتا چل جائے کہ میری غلطی کیا ہے تو میں اس غلطی کو سدھاروں گا۔ اللہ اکبر، روتے روتے پھر آنکھ بند ہو گئی تو پھر کسی نے آواز دیا کہ دیکھو ادھر عرفات کے پاس یہ خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں تمہارا وقت کا امام ہے۔ علی ابن مہدیان دوڑ کے ہوئے گئے تو نورانی خیمہ، خیمے میں چاروں طرف نور بھرا ہوا ہے، اندر داخل ہوئے تو علی ابن مہدیان نے کہا، علی ابن مہدیان سے وقت کے امام نے کہا، اے علی ابن مہدیان میں کب سے تمہاری ملاقات کا انتظار کرتا رہا، میں کب سے تمہارے دیدار کا شوق رکھتا رہا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا مولا میں نے تو 19 سال کوشش کیا ہے لیکن یہ میری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے۔ کہا کہ تم اپنے پڑوسی کو تکلیف دے کر یہ کیسے امید رکھتے ہو کہ میرا دیدار ہو جائے؟ اپنے مکان کے پاس جو تمہارا پڑوسی ہے اسے تم اذیت پہنچاتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا دیدار ہو جائے؟ کہا مولا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، مجھے یاد نہیں آتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے میرے عزیزوں، اور یہ نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، امام کہتے ہیں علی ابن مہدیان تمہارے آنگن میں ایک درخت ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے، اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، درخت گھنا ہو چکا ہے، تو اس درخت کی وجہ سے تمہارے پڑوسی کے گھر میں روشنی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، تمہارے اس درخت کی وجہ سے وہ تازی ہوا سے وہ محروم ہے، وہ تمہیں بولتا نہیں ہے لیکن اسے تکلیف ہے۔ اب جانا تو پہلے اس درخت کے شاخوں کو اس حد تک کاٹ دینا کہ اسے روشنی پہنچائے۔ کیا ہم میں ہے کبھی ہم نے ایسا خیال کیا ہو کہ ہمارا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کو کہیں ہاسپٹل کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کب ہم نے سوچا جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام کا دیدار ہو جائے؟ 20ویں مرتبہ جب جاتے ہیں بڑی مشکل سے تو اس درخت کو اور جو احکام امام نے بیان کیے تھے وہ پورا بجا لا کر جاتے ہیں تو پھر امام خوش ہو کر گلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ نہیں، جب تک علی ابن مہدیان زندہ رہے امامت سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اللہ اکبر، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، شب جمعہ ہے، شب اصلاح اسے کہا جاتا ہے، اپنے نفسوں کی اصلاح اگر کریں۔ اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم شہداء کربلا سے زیادہ ایک معاملے میں خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر، تعجب نہ کریں کہ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، ایک مسئلے میں ہم شہداء کربلا سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہداء کربلا کو اپنی اصلاح کے لیے فرش عزا نہیں ملا تھا، ہمیں فرش عزا مل رہا ہے۔ شہداء کربلا کو تیار ہونے کے لیے کوئی نمونہ نہیں ملا۔ اگر آج ہم وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شہداء کربلا جیسا نمونہ ہمارے پاس ہے، ہم اسے آئیڈیل بنا کر امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شب جمعہ علامہ مجلسی کا یہ دستور تھا، ہر شب جمعہ طالب علموں کو جمع کرتے تھے، درس اخلاق دیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ علماء کے درمیان موجود ہے۔ شب جمعہ یا صبح جمعہ دعائے ندبہ کے بعد درس اخلاق رکھتے ہیں، درس اخلاق کے بعد آخر میں 2 جملے 3 جملے اسی مصائب کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک شب جمعہ ایک خاتون نے آ کر علامہ مجلسی کو آواز دی، اے علامہ مجلسی، اب کی شب جمعہ اگر تم حسین کی رخصتی کے مصائب پڑھو تو
हुसैन की मां फातिमा भी वहां आएगी। अल्लाह अकबर, कौन सी रुख्सती? इमाम हुसैन की कई रुख्सतें हैं, एक 28 रजब मदीने से रुख्सती है और एक फिर मक्के में क़याम के बाद मक्के से एराफ की तरफ दूसरी रुख्सती है, और तीसरी रुख्सती करबला की वो रुख्सती जो ज़ैनब से रुख्सत हुए थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन, मैं आऊंगा थोड़े से मसाइब आज पढ़ूंगा। इमाम हुसैन मक्के से निकलकर एराफ का इरादा रखते हैं, कूफे से 2-3 मंजिल के फासले पर हैं कि अचानक मेरा मौला हुसैन कहता है, वालेकुम सलाम या अखी मुस्लिम, ए भैया मुस्लिम तुम पर भी मेरा सलाम। अचानक जवाब सलाम को सुना तो अकबर अपनी सवारी से उतर आए, मौला पास अपनी सवारी से उतर आए, एक मर्तबा कहा आका क्या भैया मुस्लिम हाल है? कहा नहीं भैया मुस्लिम तो नहीं आए। कहा मैंने अभी सुना आपने मुस्लिम के सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा भैया अब्बास क्या तुम देखना चाहते हो? कहा हाँ मैं देखना चाहूंगा। मौला हुसैन ने अपनी दो उंगलियों को फैलाया, कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अल्लाह अकबर, काश मौला अब्बास मंजर ना देखते, मौला अब्बास जैसा गैरतदार और बहादुर क्या देखता है कि मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर है और जल्लाद खंजर और तलवार लिए खड़ा हुआ है, मुस्लिम की गर्दन उड़ाना चाहता है। एक मर्तबा मौला अब्बास तरफ गए और कहे आका मुझे इजाजत दीजिए, आप इख्तियार इमामत से हवा को हुक्म दीजिए, मैं जाऊंगा भैया मुस्लिम को बचा लूंगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, ए भैया अब्बास ये खुदा की मर्जी है, मशीयत इलाही है, ये मुस्लिम का इम्तिहान है। मौला अब्बास देख रहे थे मुस्लिम के सर को गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, फिर उसके बाद मौला अब्बास देख रहे हैं कि मुस्लिम को दारुल अमारा की छत से जमीन पर गिराया जा रहा है। मुस्लिम की बेटी
کو بلاتے ہیں اور جناب زینب سے کہتے ہیں وہ کوش مارے جو فلا بازار سے ہم نے سریرے تھے وہ لے کر آؤ اس بچی کے کوش مارے اس بچی کے کانوں میں پہنا دو وہ پہنا دیا گیا وہ تو سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں گوش مارے پہناتے ہیں تسلی دیتے ہیں لیکن اثر عاشور حسین کی شہادت کے بعد سکینہ انتظار میں کوئی آئے گا لوگ آئے تسلی دینے کے لیے نہیں اللہ پر سکینہ کی کیا غربت تھی بس دو جملے اور سماعت کر لیں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ جناب سکینہ کی غربت کی انتہا دیکھیے حمید ابن مسلم کہتا ہے شام غریبہ جب خیموں میں آگ لگی تو حسین کی ایک بچی کے دامن میں بھی آگ لگ گئی اب وہ بچی آگ بجھا نہ سکی میں دوڑتا ہوا قریب گیا وہ تو بچی مجھے دیکھ کر بھاگنے لگی ایک مرتبہ میں نے آواز دی اے بچی میں تمہیں بچانے آیا ہوں بچی پلٹ کر مجھے دیکھتی ہے میں دو قدم آگے بڑھاتا ہوں وہ دو قدم پیچھے چاہتی ہے اللہ اکبر بچی تھی تو میں نے پکڑ لیا میں نے اس کی آگ بجھا دی میں نے آگ بجھانے کے بعد سوال کیا اے بچی میں نے تو تمہاری مدد کرنے کے لیے چاہا تھا آگ بجھانا چاہا تھا تم اتنا بھاگ کیوں رہی تھی سنو کہ بچی نے کیا جواب دیا بچی جواب دیتی ہے اے بندے خدا میرے بابا کی شہادت کے بعد جو بھی میرے پاس آیا یا اس نے مجھے تماچے لگایا یا میری پشت پر تختیا کر لگایا خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں چہار معصومین علیہ السلام کے طفیل میں شہداء کربلا کے صدقے میں اس مجلس کے ثواب کو جس مرحوم کے لیے منعقد کیا گیا ہے اس کی روح تک ایصال فرما مرحوم کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما مرحوم کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو حج و زیارت کی متمنی ہیں ان سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما تیری آخری حجت کی ضرورت میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما پھر ایک مرتبہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور لائق علی بیگ ابن مرتضیٰ علی بیگ کی روح کو ایصال فرما بسم اللہ